सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले भारसीयु भर वंश के महाराजा सुहेलदेव राजभर, जो सिर्फ हमारे पूर्वज ही नहीं हमारे देश के आन बान शान थे, उनके चरणों में और सारे इस देश के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और सारी मातृशक्तियों को नमन करते हैं। साथियों, कल एक घटना हुई काशी वाराणसी भर राजा बनार की धरती पे। जानते हो क्या घटना हुई? कल सरे मंच से जो कड़ी सेना का एक आयोजन हुआ था वहां पे, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने सभा में भरे मंच से उन्होंने इस देश की सारी नारी शक्तियों का, मातृ शक्तियों का उन्होंने अपमान किया है। और आप पहले इस बेड़ियों को देखिए, उनके बेड़ियों को देखिए, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। पहले कर्म से छत्री है, ये छत्री है, वो छत्री है। अरे छत्री बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट या किसी चौराहे पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। छत्री पैदा होने के लिए छत्राड़ी के कोख से पैदा होना पड़ता है, तब छत्री कहलाता है। तुम्हारे छत्री कहने से नहीं, आज हर पूरा देश, हर समाज के लोग हम छत्री हम छत्री हम छत्री, जैसे लगता है रेवड़ी बढ़ रही है। अरे छत्रियों के घर में पैदा होने के लिए और छत्री बनने के लिए रक्त से सींचे हुए हमारे इतिहास को पढ़ लेना, और छत्राणी के कोख से जब पैदा होना तब जाकर के छत्री कहलाओगे। हर कोई सिंह लगा रहा अपने नाम के आगे, हर कोई सिंह लगा रहा। हमारा इतिहास इतना गौरवमय रहा है कि 635 ईस्वी में जब मुगलों ने आक्रमण किया, इसी लक्ष्मण बंसी मिहर जोर प्रतिहार ने मुगलों का वो हाल किया कि 200 साल तक मुगल इस भारत में झांके तक नहीं, इतने ताकत इस तरह से गाजे मुली तरह काटा था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी आपने वीडियो सुना साहब का, ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहला सवाल कह रहे हैं छत्री, छत्री होने के लिए बाजार में कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो साहब यही बात आप पर भी लागू होती है। सही में कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ना तो ठप्पा मारा हुआ है आपके पीठ पर। और चलो हम मान भी लेते हैं आप 36 कौम के छत्री, आपके राजपुताना संगठन। मुझे आप मेरे सवालों का जवाब, ये हमारा नहीं पूरे देश का, आपके देश का आपसे सवाल है, आपकी सेना से आप यह जवाब जरूर दीजिएगा। यह मुझे बताइए, वह माँ किस बच्चे को पैदा की थी जो किसान के रूप में हल जोतता था, हल इस धरती को चीर कर अन्न उगाता था, जिससे आप खा के मोटे होते थे? वह माँ नहीं थी? वह माँ जिस बच्चे को, जिस पुरुष को, जिस वीर को जन्म दिया, जिसने इसने अपने भुजाओं से लोहे को पिघलाकर अस्त्र बनाता था ताकि आप लड़ो, देश की रक्षा करो, वह माँ उस बच्चे को जो पैदा करती थी, जो कपड़ा धोता था और आपको सारी व्यवस्थाएं करता था, क्या वो माँ नहीं थी? क्या वो लाल वीर नहीं था? क्या वो माँ जो आपको दूध पिलाने के लिए, जो पशुओं को पालता था, दूध निकालता था, जिसे पीकर आप मोटे बनो और छत्री छत्री जो चिल्ला रहे हो देश की रक्षा करो, क्या ये माएं माँ नहीं थी? क्या उनके जो वो लाल थे, जो वो अपना कर्म कर रहे थे, क्या वो इस देश के महान पुरुष नहीं थे? क्या वो लोग माएं, मतलब ये माएं माएं नहीं थी? चलो मान लिया, आप मुझे बताओ, आपका ये 36 कौम का जो छत्री की आप बात कर रहे हो और राजपुताने एकता की बात कर रहे हो, 12वीं सदी से, उसके पहले जाने दीजिए साहब, 12वीं सदी से लेके 1947 तक, जब मोहम्मद गोरी आता है अपने पृथ्वीराज चौहान को हराता है, तो उसके साथ कौन, जयचंद कौन था, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन शाह से लेकर
तुर्की, उसके बाद आपका लोधी, आपका सरकी, आपका मुगल और अंग्रेजी हुकूमत तक साहब हजार साल लगे इस देश को आजाद होने में। क्या आपके पास जवाब है कि देश हजारों साल तक क्यों गुलाम रहा? तब आपका छत्री तो कहा गया था, क्योंकि आप तो जन्म से साहब छत्री हो। अरे छत्राणी की माँ की कोख से ही आप छत्री थे। आप लोग 36 कौम के राजपुताना संगठन, तो साहब हमारा देश हजारों साल तक गुलाम क्यों रहा, क्या कारण है बताइए? तब आपका छत्री तो आपकी तलवारों में क्या जंग लगी थी जो हजारों साल लग गए? विदेशों ने आके हमारी इस धरती माँ के सीने पर वार करते रहे, हमारी धन संपदा लूट के लेके जाते रहे, तब आपका छत्री तो कहाँ था? अरे साहब, आपने इन देश की सारे माओं को आपने आज जो कल गाली दिया है। इस देश की माओं ने न जाने कितने वीर पैदा किए थे, जिन्होंने अनेक अनेक क्षेत्रों में अनेकों ऐतिहासिक काम किए हैं, क्या वो माए माँ नहीं थी? और आप जन्म से कोख लेके बात कर रहे हो रेवड़ी की, अभी आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं। अरे रेवड़ी तो आप खा रहे थे साहब, रेवड़ी बट नहीं रही थी, आप लोग रेवड़ी ही खा रहे थे। और रेवड़ी खा खा के क्या कर रहे थे? गुलामी, चाटुकारता, और क्या कर रहे थे आप लोग? रोटी बेटी का रिश्ता, भाईचारा, इसीलिए तो हजारों साल लगे साहब। आप इतिहास बता रहे हो, अरे इतिहास को आपको कुछ ज्ञान नहीं है साहब। आप उल्टा इस देश के जो अधूरा, जो छुपा हुआ इतिहास था, उसे आप लोग फिर से छेड़ रहे हो। और आप कल न कल आप लोग जो महाराजा सुहेल देव की बात कर रहे हो, आप अपना बता रहे हो। अरे पहले इस भारसी भरवंश राजभरों के इतिहास को जानो, आप उसके आगे आपका इतिहास जीरो है। आपके पूर्वजों का कोई इतिहास ही नहीं है, क्या इतिहास है बताइए? रक्त रंजित इतिहास, दाग नुमा इतिहास है, दाग नुमा इतिहास। उसी इतिहास को आप लोग दबाने के लिए, उसी इतिहास को दबाने के लिए आप लोग एक नई साजिश, एक चाल रच रहे हो। उसी को आपने क्या किया है, वैश्य राजपूतों का आपने हथियार बना लिया है। और आपके पास कोई पुरुष ही नहीं है, कोई ऐसा आपके पास महापुरुष नहीं है जिसको आप बता सको। जहां जहां भी जो पुरुष हमारे इस देश के लड़े हैं, वहां पर आप ही लोगों ने गद्दारी किया है। जब मराठा लोग लड़ रहे थे किसे, औरंगजेब के खिलाफ, कौन उसका साथ दिया था, आपको नहीं पता है? इतिहास मत खुलवाओ साहब, जितना आप छेड़ोगे कम से कम छेड़ो मत। सारे लोग इतिहास को जानते हैं, और आप सोच रहे हो कोई इतिहास नहीं जानता है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और साथियों, इनका एक वीडियो देखिए, चलिए इनका एक वीडियो और देखिए, फिर बात करते हैं। का इतिहास इतना गौरवमयी रहा है कि 635 ईस्वी में जब मुगलों ने आक्रमण किया, इसी लक्ष्मण बंसी मिहिरदौर प्रतिहार ने मुगलों का वो हाल किया कि 200 साल तक मुगल इस भारत में झांके तक नहीं, इतने ताकत इस तरह से गाजर मूली तरह काटा था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी आपने वीडियो देखा इनका, अब सोचिए जब इनको यह भी पता नहीं कि हमारे इस देश में मुगलों ने कब आक्रमण किया था। अब ये कह रहे हैं 635 में मुगलों ने आक्रमण किया था, जब इन्हें सोचिए अपने देश का प्रारंभिक इतिहास ही नहीं पता है, तो ये दूसरे के इतिहास को क्या जानेंगे? अब खुद के इतिहास को भी अपना भी इनको नहीं पता है, और ही बात दूसरे के इतिहास को, ये तो कभी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। कदर क्यों नहीं है? हम तो कदर करते हैं साहब, हम सभी उन महापुरुषों की कदर करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ा है, पर उन सभी के विरोधी हैं जिसने इस देश के खिलाफ काम किया है। तो आप तो साहब आपको यही नहीं पता है, 635 सातवीं शताब्दी में साहब खलीफाओं का आक्रमण हुआ था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम प्रमुख रूप से था। अब इतिहास के विषय में मैं ज्ञान नहीं दूंगा, जब आपको इतिहास का नहीं पता है तो आप इतिहास पढ़ो, और आप अपना इतिहास नहीं साथ साथ में पहले आप पढ़ो कि भारसी कौन थे, ये भर कौन थे, आप पहले पढ़ो कौन थे भारसी जिन्होंने 10 अश्वमेध किया था, जिन्होंने कुषाणों को परास्त किया था, कौन से जो है 918 ईस्वी के भर राजा त्रिलोकचंद, पढ़ो।
और महाराजा सुहेलदेव की तो बात क्या है, आप लोग करते हो गंदी राजनीति कर रहे हो आप लोग, आप मैं तो बोलता हूँ आप बल्कि एक गंदी इतिहास के नाम पर एक ऐसी राजनीति करने जा रहे हो जो इस देश को आके बांटने वाला है। अब आप पहले भी आप लोग देश को बांटे हो साहब, आप लोग देश को बांटे हो अब फिर से बांट रहे हो। पहले भी आप लोगों ने देश में आप लोग कह रहे थे हम भाईचारा चाहते हैं, नहीं चाह रहे हो, कभी भाईचारा नहीं चाह रहे हो, और आप इतिहास लोगों को चोर बता रहे हो। अरे सबको पता है साहब, बड़ी बड़ी रियासतों की बात आप लोग कर रहे थे कल, किसकी रियासत है पूरे अवध का इतिहास उठा के देख लो, एक एक इंच जमीन धरती आज कहीं भी चले जाओ सारी धरोहरें लोग हम नहीं लोग बोलते हैं घरों की थी, आपने कैसे छीना है सारा इतिहास गवाह है, लिखा हुआ है, आप उसको इतिहास ही नहीं मानते हो। चलो आपके पास क्या इतिहास है, आप ही तो इतिहास बताओ लोगों को, दुनिया को, देश को, कि आपके पास जो इतिहास लिखा है ये कितनी रियासतें के मालिक आप बने हो, किसकी रियासत थी हो ये पूरे अवध में, वो किसकी रियासत थी, किसकी जमीन थी। अरे साहब जाने दो, लड़ने वाले ये थे ये भारतीय जिस जिन महापुरुषों का आप अपना बता रहे हो, इनकी इनके वंशजों ने 17वीं शताब्दी तक लड़ा है, चाहे जितने भी विदेशी आक्रांत आए हैं सबसे लड़े हैं, सबसे लड़ते हुए रंग हो गए रंग, किसी के सामने अगर सर नहीं झुकाए इन्होंने, किसी से समझौता नहीं किया है, यह है इनका इतिहास। और आप जिन बैस राजपूतों का सामने कर रहे हो, पहले पढ़ो उनका इतिहास क्या है, उनका भरोसे संबंध इतिहास की बात कर रहे हो। चलो साथियों अभी आगे है ना, आप सुनिए प्रयागपुर के राजा का, फिर हम बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा ने, महाराज सुहेलदेव उस समय रियासत हुआ करती थी, राज रियासतें हुआ करती थी, उस समय अपनी रियासत से 600 बीघे जमीन महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाकर अपने को अध्यक्ष रखा, उनके बाद मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे, उनके नाम को आगे चलाते रहने के लिए ट्रस्ट बनाया, और आज उस भूमि का सदुपयोग करते हुए मैंने उस भूमि में से 100 बीघे का हिस्सा उसके बने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए महाराजा सुहेलदेव के उत्तर प्रदेश सरकार को, महाराजा हमारे मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया, उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज सुहेलदेव जी का एक भव्य मंदिर निर्माण हो जिससे हमारा इतिहास संरक्षित रहे। महाराज सुहेलदेव जी का नाम जो इतिहास के पन्नों में धूमिल पड़ता चला जा रहा था, पुनर्जीवन हो और भारत के ही नहीं विश्व पटल पर महाराजा सुहेलदेव को लोग जाने और इनके गौरव गाथाओं से लोग अवगत हो, वंचित हो। मगर क्या होता है, बोलते हैं ना, मेहनत कोई करे खाना पकाए कोई, खाने चोर आ जाते हैं। स्थिति आज वही है, पूर्वज हमारे आज से 65 साल पहले, 70 साल पहले मेरे बाबा ने उनके नाम पर ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना के भूमि उनके नाम पे दी, उनका नाम को संरक्षित करने का हर प्रयास वहां से लेके आज 3 पीढ़ियों से मैं करता चला आ रहा हूँ। आज मेरे द्वारा ये जमीन दी गई है और वहाँ एक भव्य बहराइच पे पर्यटन स्थल, भव्य मंदिर महाराज सुहेलदेव का, मेडिकल कॉलेज का नाम बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम पर, ये सारी चीजें किया जा रहा है, जो प्रयास हो सक रहा है किया जा रहा है। लेकिन कोई उन चोरों से पूछे जो उनका नाम चुराकर अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्या किया है, क्या इतिहास है आपका, आपने क्या है 50 साल में 100 साल में क्या योगदान दिया है। आज कोई अपने पूर्वज के नाम को बढ़ाना चाह रहा है, आगे पहुंचाना चाह रहा है, क्यों किसी को तकलीफ होती है। हर समाज में साथियों अभी आपने सुना, बड़े ही आदरणीय सम्मान के साथ में प्रयागपुर के जो महाराज हैं, आज भी महाराज कहे जाते हैं, पूरा यह समाज इनकी इज्जत करता था, इनके पूर्वजों की इज्जत करता था, क्योंकि ये जनवार राजपूत हैं, सारा इतिहास इनका भी पता है। पर आज जिन्होंने मंच से इन्होंने जिस तरह की बात कही है, काफ़ी कुछ अच्छा भी लगा है, क्योंकि इन्होंने खुलकर मन से एक बार भी महाराजा सुहेलदेव को महाराजा सुहेलदेव बोले हैं, वो तो ना बैस बोले हैं ना राजभर बोले हैं, चलो बड़ा अच्छा लगा, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
पर उन्होंने एक आपने जो एक बात कही ना सर, बहुत बहुत गलत आपने कह दी। कह रहे हैं 70 सालों से हमने, अरे साहब हमारे दादा ने 500 बीघा जमीन दिया। पहली बात तो साहब आप भी गलत बोल रहे थे कि आज लोग मलाई खाने के लिए अपना बता रहे हैं चोर, चोर कहा आपने साहब ने। तो आप जानो वो 500-600 बीघे के जो आप काश्तकार आप कह रहे हो उस प्रयागपुर रियासत के मालिक साहब ने, तो आप भी इतिहास उठा के देखो। अब आपको अच्छी तरह से पता है वहां का सारा इतिहास, लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हो राजनीति ने, यह भी अच्छी चीज नहीं है साहब। सबको सबका इतिहास पता है, पर अभी तक हम आपका सम्मान हम लोग करते थे, इसके लिए हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उम्मीद है कि कम से कम आगे आप इस तरह से ना करें। आप जमीन का डर है आपको, कहीं वो जमीन चला ना जाए। साहब जमीन की लालच में तो इस देश में बहुत कुछ खोया है, और खास करके हम लोगों ने तो बहुत जमीन के लालच में नहीं साहब। इस आपको पता है ये भारसी भर वंश के लोग ने सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी ने लड़ा है और किसी ने अपना कुछ खोया है तो ये लोग हैं साहब, जो आज जान के अपने अगर इतिहास को अगर वो याद कर रहे हैं तो सबसे दिक्कत आप लोगों को हो रही है कि कैसे ये जाग रहे हैं, क्योंकि उसी में आपका इतिहास छुपा है। आपका इतिहास इन्हीं भारसी भरों जो भर हैं, राजभर हैं, इन्हीं के इतिहास में आपका इतिहास छुपा है, और वह इतिहास आपका इतना दागनुमा है। चूंकि यह चीज आप लोग चाहते नहीं हो, क्योंकि मत छेड़ो, क्योंकि आप जितना इनको छेड़ोगे इनके इतिहास को, उतना ही साहब आगे बहुत कुछ नहीं कहना है। और खास करके मैं अपने सभी देशवासियों और अन्य लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी भी अपने इतिहास के प्रति जागरूक हों, अपने अतीत को जाने। और खास करके मैं अपने भारसी भर राजभर भाइयों से कहना चाहूंगा, आप तो जरूर जागिए, क्योंकि आपका इतिहास तो पहले चोरी हुआ, आपका विरासत, आपकी सारी चीजें आपसे चोरी हुई, यहां तक कि आप जन्मजात अपराधी घोषित कर दिए गए, वो भी सब इन्हीं लोगों की वजह से, लेकिन आपने कभी झुके नहीं। तो साथियों आगे भी हमें नहीं झुकना है, जिस तरह से ये चैलेंज कर रहे हैं लोग, साथियों आगे भी इकट्ठा हम नहीं हुए तो सोचिए फिर वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है सिवाय गद्दारी के, और आपका तो सिर्फ इस देश को देने वाला है, जिन्होंने कभी जमीन की लालच नहीं की। इस धरती के जो एकदम स्वदेशी मालिक थे, वर्जिनल साहब, जिन्होंने लड़ा है, फिर आपके खून में कितना उबाल होना चाहिए अब आपको तय करना है। इसी के साथ हम सभी महापुरुषों का, देश के सभी महिलाओं का, सभी मून माताओं का, जिन्होंने तमाम वीरों को पैदा किया, चाहे वह किसी क्षेत्र में काम किए हों, उन सभी को चरण वंदन है। बाकी साहब आप लोग विश्लेषण करो, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, वह सभी देश के उन लोगों से इन लोगों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय सुहेलदेव, जय भारत।